स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 26 सितंबर है, वेडनेसडे का दिन है। आज बात करेंगे राशियों की, लेकिन उससे पहले आज जानेंगे कि सूर्य देव का कितना महत्व है आपके जीवन में। वेदों में कुछ देवी देवताओं को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, उन्हीं में से एक कलयुग के साक्षात देवता है सूर्य देव। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना गया है, यानी कि मनुष्य की आत्मा सूर्य है। इसीलिए ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए सूर्य का पूजन किया जाता है। नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देने से हमारी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, साथ ही में बल, तेज, पराक्रम, सम्मान और उत्साह भी बढ़ता है। लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। आज बताऊंगी आपको कि सूर्य को जल देते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर कि हम, क्योंकि मैं कई बार आपको उपाय के रूप में भी बताती हूँ कि सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन सही विधि क्या है सूर्य को जल देने की। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए, और बहुत से लोग इसका पालन भी करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जिन्हें जानकर सूर्य को जल देंगे तो जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इसका लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। सबसे पहले स्नान के बाद आसन पर आपको खड़े हो जाना चाहिए। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में साफ जल लें और उसमें मिश्री के दाने आप डाल लीजिए। मान्यता है कि सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से मंगल दोष दूर होता है, या मंगल से जुड़ी हुई कोई परेशानी है वो भी दूर होती है। सुबह के समय सूर्य की किरणें औषधि का काम करती हैं, इसीलिए सूर्य को अर्घ देने से पहले सूर्य देव के हाथ जोड़कर कम से कम 5 मिनट तक सीधे सूर्य को देखें। ये आपको निरोगी बनाता है। इसके अलावा सूर्य को धीरे धीरे करके जल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सूर्य देव को चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अर्घ देते समय आपको इस मंत्र को 11 बार या फिर 21 बार बोलना चाहिए। ओम रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, या फिर ओम रां ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। अर्घ देते समय थोड़ा सा जल बचा लीजिए, साथ ही में सीधे हाथ में लेकर अपने चारों ओर जल को छिड़कना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें जहां खड़े होकर आपने सूर्य को जल चढ़ाया है। इसके अलावा पात्र में एकत्र जल को आप, यानी कि जो जल इकट्ठा हुआ है या जल जो आपने चढ़ाया है, उसे कोशिश करें एक पात्र में आप इकट्ठा कर लें और उसे किसी पौधे में आप डाल दीजिए। ऐसा करने से जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही है, वो नियमित रूप से अगर इस उपाय को करते हैं तो उनको सीनियर से सहयोग मिलेगा और साथ ही में मुश्किलें भी उनकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल, साथ ही में जानेंगे राशि दर राशि क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। पहला कार्ड मेष राशि वाले लोगों के लिए, आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है। तो अच्छा और मीठा बोलकर आप अपने काम को पूरा करवा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आज जितना हो सकता है सॉफ्ट स्पोकन रहिए। अचानक कोई लाभ भी आपको हो सकता है, फंसा हुआ पैसा आपके लिए वापस आ सकता है। परिवार का कोई सदस्य किसी खास काम के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए दिन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी पॉजिटिव है। घर के उत्तर पूर्व की दिशा को आज साफ सुथरा रखेंगे तो आपके लिए दिन भी अच्छा जाएगा, साथ ही में आपके लिए लक फैक्टर काम करेगा आपका। वृषभ राशि, टू ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ वॉन्स कार्ड निकलता है, तो आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। किसी खास काम में पहल भी आपको ही करनी होगी, यानी कि आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करना है, नहीं तो आपके हाथ से समय निकल जाएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करें। अपने आप से, जैसे मैंने कहा, इनिशिएटिव्स लें, तो उसके लिए थोड़ा सा चीज़ों को आपको बेहतरी बनाने के लिए अपनी वाणी में सौम्यता और मिठास लानी पड़ेगी। उपाय क्या करना है, राधा कृष्ण जी की उपासना करना आपके रिश्तों में मिठास लेकर के आएगा। चलिए मिथुन राशि, द डेथ कार्ड, रिवर्स कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स कार्ड निकलता है, तो आपके काम जो है आज उसमें किसी न किसी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। भाग दौड़ या चिड़चिड़ाहट आज बढ़ सकती है। पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही में पार्टनर्स का सुझाव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, उन सुझावों को आप अपनी कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। आज के दिन में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान देना, और खासतौर पे दूध का दान देना आज बहुत ही लाभकारी है।
कर्क राशि नाइन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड निकलता है, तो बिजनेस में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें। थोड़ा सा मानसिक तनाव और कुछ नुकसान होने के योग भी बन रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। आज उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि पहला कार्ड सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स कार्ड निकलता है, तो दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा संभल करके चलें। फालतू खर्चा आज बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिए एक्सपेंसेस में कमी करें। धैर्य और एकाग्रता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है काम में बेहतरी के लिए। कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज नमक के पानी का स्नान, साथ ही में ओम मंत्र का उच्चारण करना लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आज मूंग दाल का सेवन करना आपके लिए अच्छा है। चलिए कन्या राशि पहला कार्ड द जस्टिस एंड सेवन ऑफ वांड्स कार्ड निकलता है, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपको जरूर मिलेगा, उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करेंगे आपके लिए अच्छा है। साथ ही में कानूनी मामलों में आज का दिन थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें, किसी से वाद विवाद में न पड़े। अचानक होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर आप तुरंत कोई फैसला नहीं दें, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है, भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। उपाय करना है आज किसी भी मंदिर में जा करके आप जो पुजारी जी हैं उनको खड़ाऊ दान कर दीजिए। तुला राशि द रिवर्स ऑफ नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वांड्स कार्ड निकलता है, तो पैसों के मामले में नुकसान आज हो सकता है, थोड़ा सा कोशिश करें जल्दबाजी से बचे, नहीं तो जल्दबाजी में आकर के लॉसेस ज़्यादा होने की संभावनाएं बन रही हैं। पार्टनर्स आपकी भावनाओं को समझेंगे और उसका सहयोग भी करेंगे, तो कुल मिलाकर आपकी पर्सनल लाइफ आज बेहतर रहेगी, सेहत सामान्य रहेगी, थोड़ी सी थकान हो सकती है। छोटा सा उपाय, आज कोशिश करें कलरफुल कपड़े पहने, जितना हो सकता है आप रंगीन कपड़े पहनेंगे, कलरफुल कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी, साथ ही में आप बहुत ही आसानी से अपनी प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतों को दूर कर पाएंगे। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियस के लिए पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स। नौकरी पेशा लोगों की लाइफ में कुछ अच्छे मौके आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बात करें स्टूडेंट्स की तो उनको आसानी से सफलता मिल सकती है, यानी कि आज लक फैक्टर आपका काम आपके साथ जरूर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत आपको पूरी पूरी करनी है, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देंगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा। साथ ही में शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश कीजिए, तो आज निवेश करने के लिए जो लोग सोच रहे हैं थोड़ा संभल जाइए। उपाय करना है राधा कृष्ण के मंदिर में आपको इत्र चढ़ाना है, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। धनु राशि सिक्स ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकलता है, आपके लिए समय काफी अच्छा है, लेकिन अपने नियमित काम से हट करके कोई नया काम करेंगे आज, नए लोगों से मिलेंगे, नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। फालतू चिंता और डर दिमाग से निकाल दीजिए, नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे, आज छोटी घर में कोई छोटी बहन हो या कजन सिस्टर हो, उसे कोई गिफ्ट दे दीजिए, उसका मन चाह आपके लिए अच्छा है। चलिए मकर राशि सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है, तो कोई खास काम पूरा होने की उम्मीद थी वो पूरा न होने से थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं, तो कोशिश कीजिए इस तनाव में न आए। अगर आपको अपने ऊपर स्ट्रेस आप हावी कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने काम में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए, इस एक तरीके से इस सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। आप बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़े सावधान रहें, आज वाद विवाद हो सकता है। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की तो उसमें बेटरमेंट दिखाई दे रही है। उपाय क्या करेंगे, गौशाला में पैसे से जुड़ा हुआ दान कर दीजिए या फिर हरा चारा आप दान कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि कार्ड निकलता है द वील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्ट्रेंथ रिवर्स कार्ड, कोई पार्ट टाइम काम मिल सकता है आप लोगों को। ऑफिस में साथ काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो कलीग्स हैं, उनसे अचानक संबंधों में बदलाव आ सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल होगा। घर परिवार में मामले जो हैं आपके, उसको पूरा ध्यान पूर्वक करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। आज के दिन में चीज़ों को बेहतर करने के लिए कपड़े से जुड़ा हुआ दान करना या फिर कंबल का दान करना आज लाभकारी है। मीन राशि की बात करते हैं, पहला कार्ड निकल रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, तो किसी से बातचीत या सौदेबाजी में खुली और साफ बातें करना आपके लिए हित में रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द निपटाने होंगे, नहीं तो आने वाले समय में वक्त नहीं मिल पाएगा। बिजनेस में आपके लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो उत्साहवर्धक रहेगी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें और ख़ासतौर पर निवेश करने में तो बिल्कुल भी नहीं करें। उपाय, आज चावल और चीनी का दान देना किसी नीडी पर्सन को काफ़ी लाभकारी रहेगा आपके लिए। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर लेकर आऊंगी ऐसे ही आपके दिन का हाल, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।